पुलवामा की सर्कुलर रोड के किनारे एक आईईडी पाया गया जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के तहाब रोड पर सर्कुलर रोड के पास एक आईईडी मिला। उन्होंने कहा कि आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया और एक बड़ी घटना होने से टल गई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की जाँच चल रही है। जिला मजिस्ट्रेट कारगिल संतोष सुखदेव ने स्कूलों में क्लास वर्क निलंबित करने के फैसले के बारे में बात की। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन के सहयोग बढ़ाने के लिए जनता से आग्रह किया। कारगिल के मेरे भाई बहन और स्कूल जाने वाले बच्चे, आप सभी को मेरा सलाम व झूले। आप सभी ने अभी तक मेरा कल का ऑर्डर देखा होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें हमने स्कूल्स में क्लास वर्क सस्पेंड करने के लिए कहा है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे सोशल मीडिया पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी और अलग अलग मीडिया चैनल्स में, जिसमें कि कई पेरेंट्स ने इसका वेलकम किया इस ऑर्डर को और कई पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये गलत है। इसी सिलसिले में जो रीज़न इसके पीछे थिंकिंग थी उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। भाई बहनों, आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, आप सभी न्यूज़ मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अलग अलग सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि रोज़ के अराउंड 3-3.25 लाख तक केसेस आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों से डेथ्स का आंकड़ा भी जो है 2000+ है, और जिस हिसाब से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, हम नहीं चाहते कि वो वैसी सिचुएशन कारगिल में हो। आप सभी जानते हैं कि जोजिला पास 2-3 दिन पहले खुला था, उसमें हमने कुछ इसेंशियल सप्लाइज के लिए अलाउ किया था ट्रैफिक को, और यहाँ से भी कुछ हमारे 73 अराउंड टाटा मोबाइल्स और छोटे व्हीकल्स गए हैं जो इसेंशियल सप्लाइज वापस लेके आएंगे। जम्मू के नामी व्यापारी नागर सिंह नागो के घर पिछले दिनों कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में थी। पुलिस ने इस गोलीकांड में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी चंद्र कोहली ने बताया कि इस घटना के मुख्य आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन जम्मू पुलिस ने उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अभी उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अप्रैल 2021 को गांधीनगर के एरिया में एट द हाउस ऑफ चौधरी नागर सिंह, इसमें FIR नंबर 91/2021 अंडर सेक्शन 307, 120B, 149 IPC एंड 3/25 ऑफ आर्म्स एक्ट, अभी तक इसमें हमने 15 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। सबसे पहले इसमें अजय सिंह सन ऑफ त्रिलोकीनाथ, रेजिडेंट ऑफ नगरोटा, इसको अरेस्ट किया था। ये दूसरे ही दिन अरेस्ट हो गया था जब ये व्हेन द कमीशन ऑफ क्राइम टुक प्लेस। इसके बाद हमने 4 और एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जिनके नाम है सुप्रीत सिंह उर्फ राजा, रेजिडेंट ऑफ पीर मिठा, युद्धवीर सिंह उर्फ बबलू, रेजिडेंट ऑफ आगरा चक आरएसपुरा, बाबर खान उर्फ बाबर, रेजिडेंट ऑफ भवानी नगर नोवाबाद जम्मू, प्रीतम सिंह उर्फ सेठी, रेजिडेंट ऑफ रामनगर सांबा। इन 4 एक्यूज्ड को हमने हैदराबाद से अरेस्ट किया है। पीडीपी नेता और डीडीसी सदस्य थ्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आश्चर्यजनक रूप से आरोप लगाया है। आज उन्होंने इस बारे में संदेश मिला है कि आपको अपना पहला डोज टीका लगवाया गया है, इसके बावजूद वो अस्पताल नहीं गए या कोई डाटा जमा नहीं किया या कोई भी जवाब नहीं मिला। बिचन सिंह का केस ये आया है, इनकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है क्योंकि ये PRI मेंबर है। इनका जो डाटा है सब कुछ वो हमारे DC ऑफिस से आता है, वो अपग्रेडेशन उनकी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी फेक डाटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको कुछ 1.5 महीना पहले हमारे SDH त्राल से फ़ोन भी आया है कि आपका वैक्सीनेशन का डोज लगने वाला है, सिंस वो यहाँ नहीं थे। मगर हमें पता नहीं है ड्यू टू सम ह्यूमन एरर इनको वैक्सीनेशन का ये कैसे आया है मैसेज। इट्स ऑल ड्यू टू ह्यूमन एरर, रेस्ट विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट। जैसे हमारे नोडल अफसर यहाँ डिप्टी CM है, इसने अभी मैंने इससे ये किया कि ये एरर हो, ह्यूमन एरर हो सकता है इसमें, अदरवाइज इसके जो डाटा यहाँ पर अपलोड है वो DC ऑफिस से आया है। इसका मैसेज भी गया था लास्ट टाइम कि आपकी वैक्सीनेशन त्राल में
मगर ये आउट ऑफ स्टेशन था, ये नहीं आ पाए, ये ह्यूमन एरर हो सकता है। हम फिर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसमें ये टाइपिंग एरर है, ये फ्रॉड वर्ड नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज डीसी कार्यालय अनंतनाग में चलो टीका लगवाने अभियान की शुरुआत की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुख्तार शाह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एम वाई जागो और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। अनंतनाग में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर वेंटिलेटर सारे फंक्शनल है, उनको लेकर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की कॉन्स्टेंटली मीटिंग्स की जा रही है। कल मैं पर्सनली जो हमारा कोविड हॉस्पिटल बिज बिहारा है उसको देखने, उसकी फैसिलिटीज का जायजा लेने के लिए पूरी हेल्थ टीम और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के साथ वहां गया था। इसी तरीके से जीएमसी अनंतनाग में कैसा सिचुएशन है उसके साथ प्रिंसिपल साहब और सभी टीम के साथ हर वीकली मीटिंग्स जारी हैं। एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट हमारा इधर बिज बिहारा में एस्टेब्लिश होने जा रहा है, कुछ ही समय में उसका काम भी पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरीके से जीएमसी अनंतनाग में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां से जंगलात मंडी, वहां पर भी ऑक्सीजन प्लांट की एस्टेब्लिशमेंट हो रही है और बहुत जल्दी उसका कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। डीसी कुलगाम ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एसओपी का प्रभावी तरीके से पालन करने की अपील की और लोगों से टीकाकरण करवाने की भी अपील की गई। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिदीन भट्ट पूरे कुलगाम आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि वैक्सीनेशन कराए। कोविड 19 वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, हमारे सारे ऑफिसर्स ने वैक्सीन कराया हुआ है। पूरे कुलगाम में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन साइट्स हैं, जो जहां पर मेडिकल टीम्स हैं, आप वहां पर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, वैक्सीनेशन करके भी आप कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपने हाथों को बार बार साफ करें। कोशिश करें कि जो क्राउडेड प्लेसेस है वहां ना जाए। शेख उल आलम कॉलोनी कवादरा श्रीनगर के निवासियों ने प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओसारा पंप स्टेशन की मांग की और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया जाने की मांग की ताकि लोग अपने घर से बाहर जा सके। सर मेरा नाम मंजूर अहमद है और हम इलाके कावड़ारा शेख उल आलम से हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट जो आज है ये महकमे ड्रेनेज के खिलाफ, उस नाकस इंजीनियरिंग के खिलाफ है कि जिस इंजीनियरिंग ने, जिस महकमे ने 35 साल से कोई ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं किया है कि जो हमारा ये मसला हल करे। 35 साल से हम इस मसले से जूझ रहे हैं, थोड़ी सी बारिश के बाद हमारा इलाका तकरीबन हज़ारों लोगों पर ये मुश्तमल इलाका जेर आब आ जाता है, जिसकी वजह से हम घरों में कैद हो जाते हैं, मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं और बाहर या खुदा न खास्ता खैर शरो तो उस समय हमें क्या हालत होगी वो रबी बेहतर जानता है। सुनील डिंपल ने बस स्टैंड पर फंसे पैसेंजर, दैनिक रोटी कमाने वाले लोग और यात्रियों के लिए मजबूत विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में असमर्थ हैं। जिस तरह से ये महामारी फैल रही है और हमारे सारे ट्रांसपोर्टर्स, व्यापारी और जो जितने भी हमारे ये यात्रु हैं, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हैं, जम्मू से पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, श्रीनगर, ये सारे के सारे बस स्टैंड पे फंसे हुए हैं। तो हमारी ये मांग है कि सरकार बसेस को चलाए, बिना प्राइवेट बसेस के चले हुए और टैक्सीज टेम्पोज के चले हुए हैं जो हड़ताल के ऊपर हैं, ये इनकी बातों को सुना जाए। मीडिया एसोसिएशन करनहा स्टार्ट मास्क ड्राइव, उन लोगों के बीच मास्क वितरित किए जो बिना मास्क के बाजार में घूम रहे हैं और साथ ही मीडिया कर्मी करनहा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया फेस मास्क पहने और कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। मीडिया एसोसिएशन करना ने आज जो इलाके करना में मास्क तकसीम किए, उन लोगों में मास्क तकसीम किए जो ये मास्क खरीद नहीं सकते या जिन्होंने लगाए नहीं थे। ये हमारा एक इनिशिएटिव था जिसका मकसद यही है कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगा कर रखें और ये जो वबाई बीमारी है इससे बच सकें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो कोरोना वायरस वबा फैली है वो बड़ी तेज़ी से जो है उसके दिन बदिन केस जो हैं बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है और इसीलिए आज हमने जो है मुनासिब समझा कि हम उन लोगों के पास पहुँचे जिनका पास मास्क नहीं है,
ज़्यादातर वो लोग जो ख़रीद भी नहीं सकते हैं, तो हमने मुनासिब ये समझा कि उनको मास्क दे दें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम से कम 500 से लेकर 1000 तक जो है मास्क यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए बाज़ारों के अंदर लेडीज़ को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ताकि वो जो है प्रिकॉशन लेकर जो है आगे बचें। शुक्रिया दानिश भाई। हम ये बताना चाहेंगे ज़ुबैर भाई और ताहिर भाई, और जैसा कि आप भी साथ में थे और मैं भी साथ में था, हमने एक छोटा सा इंसेंटिव उठाया था, थोड़े 600-700 मार्क्स हमने लाए थे, वो मिडिल ईस्ट पीपल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए, जैसे कोई बच्चा था, कोई लेडीज़ थी या कोई बूढ़ा था जो दूर दराज इलाकों में से आए थे, जिनको इसके बारे में अभी पता नहीं है ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है। क्योंकि हम सबको यही कहना चाहेंगे कि कोविड जो है इसकी दूसरी लहर पूरे मुल्क के अंदर फैल चुकी है। अगर हम बात करें मुल्क हिंदुस्तान की, यहाँ पर भी पिछले दिनों से काफ़ी तेज़ी से जो है कोविड जो है इसका केस जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। हमारा सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप को भी सेफ़ रखो और जो आपके घर वाले हैं उनको भी सेफ, ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। वसीम भाई, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में दिन ब दिन कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने आज करना में तकरीबन 500 से लेके 1000 तक मास्क हमने लोगों में तकसीम किए, ताकि लोग कोविड SOPs को फॉलो कर सकें। और आखिर में हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि वो कोविड SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस। DC ऑफिस पुंछ में कॉन्फ्रेंस हॉल में DDC चेयरपर्सन, DDC वाइस चेयरपर्सन, BDC मेंबर्स और सभी डिस्ट्रिक्ट के सेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ प्लान तैयार करने को लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत ने बैठक की। देखो, आज जो यहाँ पे DC साहब ने एक मीटिंग, इंटरेक्ट मीटिंग रखी थी, तो यहाँ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद थे, आए हुए थे, तो उनके साथ हमारा थोड़ा इंटरेक्ट हुआ। और जो प्लानिंग जो इन्होंने भेजा हुआ है हमारी 10 करोड़ जो डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो उसके बारे में थोड़ी हमारे डिस्कशन हुई है, तो आगे नेक्स्ट मीटिंग जो है उसमें हम कर लेंगे। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके जो भी हमारे पब्लिक के इशू थे, पानी बिजली के और जितने भी इशूज़ थे, वो हमने अभी यहाँ पर रखे हैं, तो नेक्स्ट मीटिंग फिर करेंगे और तमाम डिस्कशन फिर से हो गया। मध्य कश्मीर के गांधरबल के कंगन इलाके में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक टेम्पो वाहन में आग लग गई और पूरी तरह से वाहन जल गया। पुंछ में आज लगातार दूसरे दिन भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल को लेकर मुसाफिरों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां नहीं चल आए जाने की वजह से ये लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू पुंछ ग्रुप के मैनेजर ने कहा कि जब तक उनकी मांगों का हल नहीं किया जाता तब तक उनकी ओर से हड़ताल जारी रहेगी। दिन में आज तीसरा दिन है, जी जी, गाड़ियाँ बंद है, ऊपर कोई भी फैसला भी नहीं लिया गया। मेरे ख्याल में आज या कल कोई ना कोई फैसला हो जाएगा तो फिर गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ये फैसला नहीं लेती कि डीजल कितना लगता है और गाड़ी को क्या बनेगा, बस अगर गाड़ी 10 सवारी बैठाएगी, कैंटर बैठाएगी, या 15 सवारी या 20 सवारी बस बैठाएगी, तो डीजल पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये कोई भी आदमी बैठा लो, जानकार आदमी, सलाहकार जो भी ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड हैं, उनको बिठा के आप कंफर्म कर सकते हैं कि इतने पैसे बन सकते हैं, ड्राइवर की तरह निकल सकती है, कंडक्टर की तरह निकल सकती है, तो गाड़ी चलाएंगे, लेकिन बनेंगे नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं बात था। एक तब तक ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, लेकिन सवाल नहीं बता। अगर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखना है तो किराया बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये सवाल ही नहीं पता, तो गाड़ी चल सकती। विश्व पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य पर जिला पुस्तकालय कठुआ में आज पुस्तक प्रदर्शनी सह सहभागिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राहुल यादव DC कठुआ द्वारा किया गया। DC कठुआ राहुल यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि बच्चों को पुस्तकों के प्रति जागरूक करना। आज हमारे कठुआ में वर्ल्ड बुक डे पर एक छोटा सा बुक फेयर, इसमें हमारे यहाँ की जो नया स्टॉक है लाइब्रेरी का, वो डिस्प्ले किया गया है। उसके लिए मैं, हमारा जो यहाँ के लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वहाँ पर, यहाँ पर मुझे भी इन्वाइट किया। और इस टाइप की एक्टिविटीज़ से हमारे बच्चे भी इंस्पायर होते हैं बुक्स को पढ़ने के लिए। जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होती है, आप दुनिया को बेहतर तरीके से जानते हैं। एक बहुत ही अच्छा माध्यम होती है बुक्स पूरी दुनिया को समझने के लिए।
श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ बात करते हुए डीवकॉम जम्मू राघव लांगर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कटरा जो कि माँ वैष्णो देवी का आधार शिविर है, जहाँ देश भर से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कोरोना महामारी को लेकर कटरा हॉटस्पॉट ना बने, जिसको लेकर पुख्ता तैयारियां बहुत जरूरी हैं, जिसको लेकर कटरा में सभी का कोविड टेस्ट हो और साथ ही 45 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन हो, इसको लेकर प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को कमर कसनी पड़ेगी। बैठक में नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने कोविड टेस्ट के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर और ज्यादा केंद्र बनाने पर जोर दिया। जी देखिए, कोविड के चलते आप देख रहे हैं कि SOPs को अब हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि सभी इनकमिंग ट्रैवलर्स को अपनी कोविड टेस्टिंग करनी है, वो हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक सिर्फ J&K UT है जहां पर 100% जो इनकमिंग पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है और ये हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सर्ज अभी हाल ही में आया है बाकी इलाकों में, बट यहाँ पर कंटिन्यू टेस्टिंग चल रही है।